एग्री बी पे तो दिखाई नहीं रहा मेरे को, इसकी प्लेलिस्ट में एग्जाम बी पे तो नहीं हो रखा है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री बी। सो इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टिंग बी चैलेंज की आंसर की। आपको पता है आपने स्टिंग बी चैलेंज का एग्जाम दिया था, उसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जो नाबार्ड फेस टू एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं। उनके आंसर्स क्या थे विथ एक्सप्लेनेशन इस एग्जाम में डिस्कस करेंगे। सो सिंस आई एम एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, तो मैं एग्रीकल्चर से शुरू करूंगा। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, देन उसके बाद फिर हम लोग आरडी और ईएसआई पर आएंगे, रूरल डेवलपमेंट और ईएसआई उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन से पहले। तो हमारा पहला एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। तो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स पाई जाती हैं या प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स मिलती हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड सॉइल्स, एल्कली सॉइल्स और सलाइन सॉइल्स। तो जिस स्टेट में कंबाइनली एसिड, एल्कली और सलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा होंगे उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेट विद टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, मींस हाईएस्ट एरिया अंडर टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। और ऐसा स्टेट है केरला। केरला में कॉम्बिनेशन ऑफ सलाइन सॉइल्स, एल्कली सॉइल्स और एसिडिक सॉइल्स सबसे ज्यादा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट एरिया अंडर सलाइन सॉइल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर एल्कली सॉइल्स। तो उनके लिए आपके आंसर्स होंगे सबसे ज्यादा सलाइन का एरिया है गुजरात में, सबसे ज्यादा एल्कली सॉइल्स का एरिया है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा एसिड सॉइल्स के अंदर एरिया है केरला में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया केरला। केरला हैज द केरला इज द स्टेट व्हिच हैज हाईएस्ट एरिया अंडर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो नाबार्ड फेस टू एग्जाम होता है उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट और थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ले पाऊँ इसमें, उन्हें अच्छे से समझाऊँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैं अब पेन और पैड यूज नहीं कर सकता, तो आपको बिना पेन पैड के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि एक डबल एक्शन डिस्क हैरो है जिसकी विड्थ है 5 x 20 सेंटीमीटर और एक ट्रैक्टर उसको ऑपरेट कर रहा है और ट्रैक्टर कितनी स्पीड से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, एज्यूमिंग दैट द फील्ड एफिशिएंसी इज 80%। हम मान के चल रहे हैं कि फील्ड एफिशिएंसी 80% है और हमको फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है सिंपली आपका एस इंटू डब्ल्यू इंटू ई। इसके बाद आपको ये करके भी दिखाऊंगा मैं अगली स्लाइड में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो अभी आप पेन और पेपर ले सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एस इंटू डब्ल्यू इंटू ई सिंपली फंडा है। एस का मतलब स्पीड, जितनी स्पीड से ट्रैक्टर चल रहा है। डब्ल्यू का मतलब है विड्थ ऑफ कट, कितने उसकी कट की विड्थ कितनी है। और ई का मतलब है एफिशिएंसी। और एस और ई तो आपको यहाँ पर सिंपली मिल गए, 80% आपकी ई है एफिशिएंसी और एस है आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। बस एक यहाँ पर जो चीज रह गई वो थी डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब है विड्थ ऑफ कट। तो विड्थ ऑफ कट आपकी होती है 5 x 20 सेंटीमीटर, यही होगी लेकिन ये सेंटीमीटर में दी हुई है। आंसर आपका पर आवर में है और बाकी चीजें भी आपकी किलोमीटर पर आवर में है। तो
तो आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को, तो 5 × 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और 1 मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो जब आप 1/1000 करोगे तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो एस इंटू डब्ल्यू इंटू ई, तो एस फॉर स्पीड 5 × W मतलब 20 × 5 विड्थ ऑफ कट इंटू ई एफिशियंसी अपॉन 1000 अपॉन 1000 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.4 हेक्टेयर पर आवर। तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे डिस्क हैरो के बारे में पूछ लिया, ऐसे प्लाव के बारे में पूछ सकते हैं, रोटावेटर के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी मशीनरी आपसे पूछी जा सकती है और उसकी फील्ड कैपेसिटी ही पूछी जाएगी। तो उसका सिंपल सा फंडा है एस इंटू डब्ल्यू इंटू ई, एस फॉर सिंपली एस फॉर आ जाता है आपका स्पीड, डब्ल्यू फॉर विड्थ ऑफ कट और ई फॉर आ जाती है आपकी एफिशिएंसी। तो आप होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद इस सेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दो पीडीएफ आपके सेशन इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और उन दो पीडीएफ में आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही सारे आंसर्स को हम डिस्कस कर लेंगे, जो डिस्कस्ड होंगे वो पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 33rd क्वेश्चन है हमारा कि ICR डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज इज लोकेटेड इन, तो ICR का डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ पर है आपको डिस्कस करना। अब यहाँ पर तो ऑप्शन आपके थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि क्योंकि तीनों चार स्टेट्स में जो है वो ठंडे स्टेट्स हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन ऐसे होते जैसे MP महाराष्ट्र और गुजरात इस तरह के अगर आपके स्टेट्स होते तो, या तमिलनाडु स्टेट होते तो आप समझ जाते कि कोल्ड वाटर फिशरीज तो किसी ठंडे स्टेट में ही होगा, मैक्सिमम चांसेस उसके वो हैं किसी ऐसे स्टेट में होगा जो हिली स्टेट है, यहाँ ठंड होती है। क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो ICR डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज है भीमताल उत्तराखंड में, भीमताल एक जगह है नैनीताल के पास उत्तराखंड में, वहाँ पे ये डायरेक्टरेट है। ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ और हैं इस क्वेश्चन के साथ में, हम क्या पढ़ सकते हैं, हम 4-5 और इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फिशरीज से रिलेटेड है, क्योंकि अगर फिशरीज का कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के मेंस में तो चांसेस है कि ये आ सकता है, क्योंकि फिशरीज में बहुत ज्यादा कंटेंट होता नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे फिशरीज में ये पूछा जाए। तो यहाँ पे आपका फिशरीज में पहला CMFRI है, CMFRI का मतलब है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरला में है कोची में। देन उसके बाद है आपका सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका बैंगलोर में, सॉरी बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में आपका इनलैंड फिशरीज का इंस्टीट्यूट है, मरीन फिशरीज का है केरला में कोची में, तीसरा आपका है ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी भी कहाँ है आपका केरला में। देन उसके बाद आपका फोर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई में है, तो एजुकेशन वाला मुंबई में है, टेक्नोलॉजी वाला कोची केरला में है, मरीन फिशरीज का भी कोची केरला में है, और इनलैंड फिशरीज का बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा NBFGR बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। देन ICR CIFR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो फ्रेश वाटर वाला आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ऐसे ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, तो ब्रैकिश वाटर वाला तमिलनाडु में है, और डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज जो आपका क्वेश्चन था ये है भीमताल उत्तराखंड में, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोटल एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर जो टोटल एरिया में इंडिया की रैंक क्या है। पहले तो इसका आंसर सिंपल 9th रैंक है इंडिया की, और अगर यहाँ पर हो सकता है ये फॉन्ट बहुत छोटा हो, आपको दिख ना रहा हो, क्लियर ना हो कि क्या लिखा हुआ है सेशन के टाइम पे, तो हम लोग इसके बाद सेशन के बाद इसकी PDF ऐड कर देंगे, शाम तक आपकी PDFs ऐड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उन PDFs को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई एसेसिबल होगा वो सबके लिए, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे से आपको सब डिटेल्ड इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये तो था ग्लोबली इंडिया की अगर एरिया देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर तो 9th रैंक है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंडर एरिया आता है वो आता है आपका मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, और अगर आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में होता है, प्रोडक्शन में उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन राजस्थान में उतना ज्यादा नहीं होता। तो
एरिया में और प्रोडक्शन में दोनों में मध्य प्रदेश आपका रैंक वन पे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में क्रॉप्स के केस में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एरिया किस क्रॉप के अंडर है, तो आप बोलेंगे ऑयल सीड्स। सबसे ज्यादा एरिया ऑयल सीड्स के अंदर आता है। इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका नैरोबी में, नैरोबी है केनिया में, 1994 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इतना ही आपके लिए काफी है जानने के लिए, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो मैंने कोशिश की कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन रखे जाए इसमें एग्जाम में। देन वर्ल्ड फिश सेंटर, वर्ल्ड फिश सेंटर कहाँ पे है? वर्ल्ड फिश सेंटर है मलेशिया में, वर्ल्ड फिश सेंटर मलेशिया में। इससे ज्यादा कुछ ऐसे जानने वाली खास बात नहीं है वर्ल्ड फिश सेंटर के बारे में, फिर भी इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देन अगेन ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये है अगेन न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आने के भी बहुत चांसेस है। ये न्यूमेरिकल है आपकी वीडिसाइड डोज के ऊपर, सिमिलर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके इंसेक्टिसाइड में से भी आ सकता है, किसी भी केमिकल में से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम तीन चार न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक न्यूमेरिकल आ जाएगा फर्टिलाइजर डोज कैलकुलेशन का, एक केमिकल डोज कैलकुलेशन का, जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की एफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है, कैपेसिटी का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला हमारा केमिकल वाला क्वेश्चन है। तो ब्यूटाक्लोर क्या एक वीडीसाइड है, वीडीसाइड या हर्बिसाइड जो यूज होता है किसी भी क्रॉप में से वीड्स को खत्म करने के लिए। वीड्स होती है अनवांटेड ग्रासेस, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा एग्रोनॉमी का। वीड्स या अनवांटेड ग्रास को खत्म करने के लिए केमिकल है ब्यूटाक्लोर। इस ब्यूटाक्लोर को राइस के फील्ड में अप्लाई करना है और ये ब्यूटाक्लोर है 50 EC। 50 EC का मतलब होता है EC है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, इस तरह का ही केमिकल है। और 50 का मतलब है इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का अमाउंट है वो 50% है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट 50% है। क्या होता है किसी भी केमिकल को उसकी प्रॉपर फॉर्म में एक स्टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए उसमें एक पर्टिकुलर डोज होती है। मींस लाइक जैसे ब्यूटाक्लोर है तो उसमें 50% केमिकल होगा, 50% फिलर्स होंगे जिसकी वजह से ये केमिकल स्टेबल रहे। फिलर्स या स्टेबलाइजर्स हम उन्हें कहते हैं जिसे केमिकल स्टेबल रहे और स्टेबल फॉर्म में मार्केट किया जा सके। तो 50 EC का मतलब इस ब्यूटाक्लोर में 50% ब्यूटाक्लोर है और राइस का फील्ड है। राइस के फील्ड की जो डोज दी हुई है क्या होता है कि केमिकल के ऊपर लिखी रहती है उसकी डोज, और उस केमिकल की डोज है 1.5 kg AI पर हेक्टेयर, मतलब 1.5 kg का हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना है और इस केमिकल में 50% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक हेक्टेयर में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर के लिए कितना हम हर्बिसाइड डालेंगे। जो डोज दी थी पर हेक्टेयर वो थी एक्टिव इंग्रेडिएंट की और ये ब्यूटाक्लोर 50 EC है। तो ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसको तो आप अपने आप से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अगर आपके पास मीन्स पेन और पेपर का यूज नहीं करना चाहते तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन टफ भी हो जाता है। वहाँ पर ये 50 EC की जगह अगर 36 EC या 75 EC या 40 EC दिया रहता है तो आपको कैलकुलेट करना मुश्किल होता। यहाँ पर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है कि 1.5 kg AI पड़ता है, 1.5 kg AI पड़ता है एक हेक्टेयर में, और यहाँ पर 50% इसका ब्यूटाक्लोर का AI है। तो 100% हमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोज को डबल कर देना पड़ेगा, तो ये 3 kg हो जाएगा, सिंपली 1.5 × 2 हो जाएगा। इसको अगर ये अलग यहाँ पर 50 EC की जगह 36 EC या 40 EC 75 EC कुछ और हो, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, सिंपली डोसेज KgAI, मतलब आपको जो यहाँ पर केमिकल की डोज दी रहती है ये वाली डोसेज जो KgAI पर हेक्टेयर में दी रहती है अपॉन परसेंटेज ऑफ केमिकल। आप ये वाली डोज लेंगे और नीचे कितना परसेंट केमिकल है उसको लेंगे, को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1.5 kg डोज थी जो हमें दी हुई थी एक्टिव इंग्रेडिएंट की, 50% इस केमिकल का फॉर्मुलेशन था और इन दोनों को डिवाइड करके हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 लीटर आ गया। तो इसके लिए हमें इस केमिकल को अप्लाई करने के लिए हमें 3 लीटर मींस केमिकल डालना पड़ेगा, इस केमिकल की प्रॉपर डोज अप्लाई करने के लिए हमें 3 लीटर केमिकल डालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये फर्टिलाइजर डोज का क्वेश्चन है। फर्टिलाइजर डोज के क्वेश्चन में क्या है कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आप लोग जानते हैं, जैसे 100 केजी यूरिया है तो 100 केजी यूरिया में से हमको सिर्फ 46 केजी नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन उस नाइट्रोजन को एक स्टेबल फॉर्म में अप्लाई करने के लिए हमें यूरिया लेना पड़ता है।
तो 100 केजी यूरिया में से 46 केजी नाइट्रोजन जैसे मिलती है, उसी तरह से अलग अलग फर्टिलाइजर ग्रेड होते हैं। फर्टिलाइजर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 100 केजी डालोगे तो 100 केजी नाइट्रोजन मिलेगी, या 100 केजी फर्टिलाइजर डालोगे 100 केजी पोटेशियम मिलेगा, हमेशा उसकी क्वांटिटी कम रहती है। तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं भी आता है तो आप दोबारा से किसी लाइव क्लास में किसी सेशन में आप पूछ सकते हैं इसको। नीचे इसका मैंने फॉर्मूला दिया, पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक हमें फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स दिया, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसका ग्रेड क्या है 17, 17, 17। इस ग्रेड का मतलब होता है अगर आप 100 केजी फर्टिलाइजर यूज करोगे तो उसमें आपको 17 केजी नाइट्रोजन मिलेगा, 17 केजी फॉस्फोरस मिलेगा, 17 केजी पोटेशियम मिलेगा। पोटेशियम और फॉस्फोरस P2O5 और K2O की फॉर्म में मिलते हैं, जबकि नाइट्रोजन अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो NPK 17, 17, 17% मिलेंगे 100 केजी फर्टिलाइजर डालने में, इस ग्रेड का मतलब ये होता है। एंड यूरिया, तो हमारे पास दो चीज़ हैं, एक ये फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स है और यूरिया है। इन दोनों से हमने किसी क्रॉप में फर्टिलाइजर देना है, और उस क्रॉप में कितना फर्टिलाइजर देना है 150, 50, 50 केजी। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मेन क्रॉप्स होती हैं वीट एंड राइस, उनके लिए फर्टिलाइजर डोज होती है 160-40, और कहीं कहीं पर हम 160-40 की जगह 150-50 भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक हेक्टेयर के फील्ड में 100 केजी आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, 50 केजी पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, 50 केजी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो अब हमसे कहा है कि हमारे पास ये दो फर्टिलाइजर हैं, तो हम कितना जो है ये कॉम्प्लेक्स डालें और कितना यूरिया डालें जिससे कि हम इनकी ये 150-50 की डोज पूरी कर सकें। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, या फॉर्मूला भी नहीं है, आप इसे यूनिटरी मेथड से सिंपल मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे दिमाग लगा के भी, अगर आपको नहीं आता है तरीका बताता हूँ आपको। पहले क्या है कि 50 केजी तो तीनों में कॉमन है, 50, 50, 50 केजी तो तीनों में जाना है, तो हम क्या करेंगे ये 50 केजी देने के लिए पहले इस कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यूरिया तो हमारे पास सोर्स है सिर्फ नाइट्रोजन का, लेकिन फॉस्फोरस और पोटेशियम देने के लिए तो हमें ग्रेड की जरूरत पड़ेगी, और 50, 50 केजी सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे पहले 50 केजी NPK दे लेंगे इस कॉम्प्लेक्स से। और 50 केजी NPK देने कॉम्प्लेक्स से देने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमें 100 केजी, अगर हम ये 100 केजी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो हमें मिलता है 17 केजी N, 17 केजी P, 17 केजी K। और अगर हम 1 केजी हमें मान लो P चाहिए, N चाहिए, 1 केजी नाइट्रोजन के लिए हमें कितना जरूरत पड़ेगी 100/17, तो 1 केजी नाइट्रोजन के लिए 100/17 केजी हमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, और 50 केजी नाइट्रोजन के लिए हमें 100/17 × 50 यूज करना पड़ेगा। तो उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे 294 केजी आपका टोटल कॉम्प्लेक्स का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। मींस अगर आप 294 केजी कॉम्प्लेक्स डाल दोगे तो आपको 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटेशियम मिल जाएगा। तो अभी क्या है कि 50-50 केजी तीनों मिल गए, लेकिन जो डोज थी वो थी 100 केजी। यहाँ पे 100 केजी हमें यूरिया चाहिए था, बाकी दो तो आपकी कंप्लीट हो गई डोज, लेकिन आपको यूरिया चाहिए था, लेकिन आपको नाइट्रोजन चाहिए था वो 100 केजी चाहिए था। तो 100 केजी नाइट्रोजन के लिए, 100 केजी नाइट्रोजन के लिए आप क्या करेंगे, बचा हुआ 50 केजी यूरिया, 50 केजी तो आपको नाइट्रोजन मिल गया NPK कॉम्प्लेक्स से, लेकिन 50 केजी नाइट्रोजन आपको और देना है, उसके लिए आप यूज करेंगे यूरिया। तो यूरिया कैसे यूज करेंगे, आपको 100 केजी यूरिया में से मिलता है 46 केजी नाइट्रोजन, तो 1 केजी नाइट्रोजन कितने में से मिलेगा 100/46 केजी यूरिया में से। 50 केजी नाइट्रोजन कितने मिले, कितने यूरिया में से मिलेगा 100/46 × 50। तो सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 108.7। तो 108.7 केजी आप यूरिया डालेंगे 50 केजी बचा हुआ नाइट्रोजन के लिए, बाकी 294 केजी आप कॉम्प्लेक्स डालेंगे जिससे आपको 50-50 केजी तीनों मिल जाएंगे। तो हो सकता है अभी मैं जल्दी बोल रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा हो इसे कैलकुलेट करना, लेकिन आप पेन एंड पेपर लेके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएगा एक बार में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया है, इसकी जगह पे DAP SSP भी दिया जा सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हाई लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो स्टोमेटा क्लोजिंग क्या होती है, पहले आप लोग अगर नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे, नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे, तो आपको स्टोमेटा के बारे में भी नहीं पता होगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका। जो प्लांट की लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ और नीचे की तरफ ज़्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों से क्या होता है कि प्लांट रेस्पायर करता है, मतलब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, उन छोटे छोटे छेदों से, उन छेदों को स्टोमेटा बोलते हैं।
इन स्टोमेटा का एक और काम होता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट ट्रांसपायर करता है। ट्रांसपायर करता मतलब प्लांट पानी छोड़ता है या वाटर वेपर को रिलीज करता है। प्लांट वाटर वेपर को रिलीज करता है, पानी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जैसे आप किसी भी सरफेस से अगर पानी वाटर वेपर के फॉर्म में हवा उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाता है, उसे हम इवेपोरेशन करते हैं। वैसे जब प्लांट की लीव्स पानी को लूज करती हैं तो उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, पानी का लॉस होता है प्लांट की लीव्स में से। अगर प्लांट लीव्स ऐसे लगातार दिन भर पानी छोड़ती रहेंगी तो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, पानी लॉस, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी किसी पौधे के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ कई सारे एरियाज होते हैं जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, जहाँ पे मतलब बारिश कम होती है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर अगर ये प्रोसेस चलती रहेगी, सूरज जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा होता है ट्रांसपिरेशन, तो अगर वहाँ पानी लूज करते रहेंगे पौधे तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी लूज करते रहने की वजह से पौधे सूख जाएंगे, मीन्स पानी की कमी हो जाएगी, नहीं पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, इस ट्रांसपिरेशन को रोकने वाले केमिकल्स। तो ये केमिकल्स तीन चार तरह के होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट केमिकल तीन चार तरह के होते हैं। पहले होते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम डालेंगे तो स्टोमेटा उससे क्लोज हो जाएंगे। जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, PMA, एफसीसिक एसिड, एट्राजीन, इनका अगर हम स्प्रे करेंगे किसी क्रॉप में, किसी मीन्स किसी पौधों के ऊपर, प्लांट की लीव्स में क्रॉस करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो पानी लूज करना है, ट्रांसपिरेशन करना बंद कर देंगे, बहुत कम ट्रांसपिरेशन करेंगे। देन फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है, वो क्या होगा, अगर इन केमिकल्स को हम स्प्रे करेंगे तो वो एक पतली फिल्म सी या लेयर सी बना लेंगे पौधे की लीव्स के ऊपर। उससे क्या होगा कि लीव्स के ऊपर लेयर बनने की वजह से अगेन पौधे उसको मीन्स पानी को लूज नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपायर नहीं कर पाएंगे। देन रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, इनमें क्या होता है कि मेजर जो कॉज होता है ये ट्रांसपिरेशन का होता है सनलाइट। जब सनलाइट पड़ती है तो पानी, पौधा पानी को लूज करना शुरू करता है, ट्रांसपिरेशन लूज करना शुरू करता है। तो केवलिन वगैरह होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं, इससे क्या होता है पौधे के लीव्स पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, तो सनलाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे भी ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ऐसे कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं जिससे, जैसे साइकोसिल, इसको आप स्प्रे करोगे तो पौधे के लीव्स का साइज कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे था कि स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय, इनमें से कौन सा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो सिंपली इसका आंसर है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, तो फिल्म फॉर्मिंग वाले हो जाएंगे सिलिकॉन वैक्सेस ये सब। और ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा केवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीवेंसन स्क्रीन किससे रिलेटेड है। तो स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है, सिंपली एक एग्रोमेट्रोलॉजी का ये पार्ट है, एग्रोमेटीरियोलॉजी होता है एग्रीकल्चर का वो पार्ट जहाँ पे वेदर फॉरकास्ट किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट और वेदर बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम पहले से फोरकास्ट कर लेंगे कि कब रेन होने वाली है या कब आंधी तूफान आने वाला है, तो हम अपने क्रॉप हार्वेस्टिंग ऑपरेशन को, क्रॉप हार्वेस्टिंग या क्रॉप के सोइंग ऑपरेशंस को डिले कर लेंगे या उनको पहले कर लेंगे। मीन्स अगर हमें पता चल जाए कि अगले हफ्ते बारिश आने वाली है, 3 दिन बाद बारिश आने वाली है और हमारी क्रॉप हार्वेस्ट होनी है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि तुरंत उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाए, जिससे कि 2 दिन बाद का हमारा क्रॉप खराब ना हो। इसी तरह से अगर हमने सोइंग करनी है और हमको पता है कि कल को बारिश आने वाली है, हमारी सब सोइंग खराब हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि बारिश के बाद सोइंग करें। तो स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये था। तो स्टीवेंसन स्क्रीन एक बॉक्स टाइप का होता है, ये वो बॉक्स होता है एग्रोमेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी या ऑब्जर्वेटरी में यूज होता है। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वो होती है जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, मीन्स बहुत सारे जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे रेन गॉज हो गया। रेन गॉज क्या करता है, टोटल रेनफॉल होगी, कितनी रेनफॉल हुई वो बता देगा। सनशाइन रिकॉर्डर हो गया, वो दिन में कितने घंटे सनशाइन आई, सनशाइन कितने घंटे तक रही दिन में, वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब एक जगह पर रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। और वहाँ पर एक चीज रखी जाती है, उसे बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। तो स्टीवेंसन स्क्रीन क्या, सिंपली एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर हवा तो आती है लेकिन कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, मीन सनलाइट वगैरह का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। तो इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, जैसे थर्मोमीटर्स रखे जाते हैं, हाइग्रोमीटर्स रखे जाते हैं, मीन्स कुछ इंप्लीमेंट्स को रखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की, आप बोल सकते हैं कि एक स्क्रिबो होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सब रखे जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डायरेक्ट हीट से बचाने के लिए, डायरेक्ट हीट ऑफ आउटसाइड रिसोर्सेज से बचाने के लिए एक वेदर स्टेशन में बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, जैसे
थर्मोमीटर्स, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है इसमें रखे जाते हैं, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोग्राफ, तो इन सबको रखने के लिए एक बॉक्स टाइप का होता है, और जो उसमें बहुत सारे ऐसे स्लिट्स बने रहते हैं, छेद बने रहते हैं, जिससे हवा तो पास होती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। देन फॉर कैलकुलेटिंग फॉस्फोरस P2O5 इज मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने P2O5 तो अप्लाई कर दिया लेकिन P2O5 में से फॉस्फोरस कितना मिल रहा है। हालांकि आपको फर्टिलाइजर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, वहां पर आपको हमने जैसे कैलकुलेट करा वैसे ही कैलकुलेट करना, वहां पर आपको P2O5 की डोज ही कैलकुलेट करनी होती है क्योंकि P2O5 की फॉर्म में ही अप्लाई किया जाता है फॉस्फोरस। लेकिन P2O5 से फॉस्फोरस कितना मिलता है इसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके होते हैं, यहाँ ये बहुत रेयरली पूछा जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है केस में। यहाँ पे क्या है कि फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पी, P2O5 इज मल्टीप्लाइड बाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि P2O5 से पी कितना मिलता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि सारे के सारे जितने मैक्रो, ये मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो जितने भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं उन सबका लिख लिया यहाँ पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्गेनिक मैटर उसकी जगह पे लिख लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर तो फॉस्फोरस की बात हो रही है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने 100 kg ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई किया तो उससे कितना ऑर्गेनिक कार्बन किसी क्रॉप को मिला, तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724। ऐसे अगर आपसे नाइट्रोजन पूछा जाए कि नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रेट में से नाइट्रोजन कितना मिला, तो 0.22 हो जाता है उसके फॉर्मूले में। ये फॉस्फोरस की बात हो गई, देन पोटेशियम के लिए 0.83 हो जाता है, कैल्शियम के लिए 0.71 हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक मैटर और NPK, ये तीन, और ऑर्गेनिक मैटर सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अक्सर ऑर्गेनिक मैटर में से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724, और आपसे अगर ऑर्गेनिक कार्बन पूछ ले तो आप ऑर्गेनिक मैटर अपॉन 1.724 उसे कर देंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फ्लेम फोटोमीटर यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ, तो मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। देन फ्लेम फोटोमीटर क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं। तो फ्लेम फोटोमीटर एक सिंपली एक आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्वांटिटी किसी भी सॉइल में क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज किया जाता है। तो सॉइल में अलग अलग न्यूट्रिएंट की या अलग अलग मिनरल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो फ्लेम फोटोमीटर होता है, फ्लेम फोटोमीटर यूज होता है पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम की, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना कैल्शियम है या कितना पोटेशियम है, कितना लिथियम है किसी, या कितना सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीन को मान लीजिए, ये तीन मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों को मेजर करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज होता है। और फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग कलर की फ्लेम आती है, मीन्स फायर की फ्लेम होती है वो, पोटेशियम जब टेस्ट होगा तो पोटेशियम के लिए अलग कलर आएगा और ऐसे सोडियम के लिए अलग आएगा, कैल्शियम के लिए अलग कलर आएगा। तो फ्लेम फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पोटेशियम की क्वांटिटी मेजर की जाती है किसी भी क्रॉप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, एडिबल बनाना इज अ टाइप ऑफ, तो एडिबल बनाना क्या होता है, एडिबल बनाना किस तरह का होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो एडिबल बनाना क्या होता है, एडिबल बनाना मतलब मीन्स बनाना की वो वेराइटीज जो हम खाने में यूज करते हैं, तो उसकी प्लॉइडी क्या होती है ये पूछा है उससे। प्लॉइडी होता है उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, आपको उस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है जेनेटिक्स के ऊपर। तो जहाँ पे ये समझ लीजिए सिंपली कि जहाँ पे तीन टर्म यूज हुए हैं वो ट्रिप्लॉइड है, जहाँ पे दो यूज हुए हैं वो डिप्लॉइड है, और जहाँ पर चार यूज होंगे ए ए ए ए ये टेट्राप्लॉइड होगा। तो जो जितने भी एडिबल वेराइटीज ऑफ बनाना होती है वो सब ट्रिप्लॉइड होती हैं, और एडिबल वेराइटीज ऑफ बनाना के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ बनाना, तो आप इन सब वैरायटीज को एक बार देख लीजिए, जैसे ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, ग्रैंड नेने, पुवन, रस्थली, नेंद्रन, मोन्थान, ये सारी बनाना की वैरायटीज होती हैं और ये सब ट्रिप्लॉइड होती हैं। तो एडिबल बनाना की वैरायटीज सारी ट्रिप्लॉइड होती हैं। ये डिप्लॉइड वैरायटी का बनाना और टेट्राप्लॉइड वैरायटी का बनाना है ये खाने में यूज नहीं होते। देन एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज, तो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो कैंड फ्रूट्स होते हैं, कैंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये स्कैनिंग एक प्रोसेस है। आप लोग जानते हैं जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक का कैन आपने देखा होगा, वैसे डिफरेंट लिक्विड्स का, डिफरेंट सॉलिड्स का कैन आता है, तो कैनिंग का जो प्रोसेस है वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होता है। फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स को अगर मान लीजिए आपने पीच खाना है, पीच यानी आड़ू, आपने पीच खाना है
ऑफ सीजन में, मीन्स पीच का सीजन आपका आता है जुलाई अगस्त के टाइम पे, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई के टाइम पे। और अगर आपको चाहिए आपने जनवरी में पीच खाना है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि वो कैंड आप खा सकते हो। तो कैनिंग क्या होता है, प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है। फ्रूट्स के केस में ऐसा होता है कि उन फ्रूट्स को स्लाइसेस में काट के और उनको शुगर सॉल्यूशन में कैन में पैक कर दिया जाता है। वेजिटेबल्स के केस में वेजिटेबल्स को ब्राइन के सॉल्यूशन में पैक किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कैंड मशरूम्स आते हैं, कैंड कुकम्बर आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उनको काट के और वेजिटेबल्स को ब्राइन सॉल्यूशन में और फ्रूट्स को शुगर सॉल्यूशन में। इसमें ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, और शुगर सॉल्यूशन या शुगर सिरप में फ्रूट्स को करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुगर फ्रूट्स का जो प्रिजर्वेशन या कैनिंग होता है वो किस सिरप में होती है, वो शुगर शुगर सिरप में होती है। देन कैनिंग का जो प्रोसेस है, यहाँ पे पूछा है कि एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर। तो एग्जॉस्टिंग क्या होता है कि कैनिंग के प्रोसेस में एक 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 स्टेप होता है, बहुत कैनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप होते हैं, उनमें से एक स्टेप है एग्जॉस्टिंग। उस एग्जॉस्टिंग के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे हम एग्जॉस्टिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहले नीचे सारी मैंने लिखी हुई है कि कैनिंग के प्रोसेस में कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है वॉशिंग, कोई भी फ्रूट आपके पास आएगा उसको आप वॉश करते हैं। देन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप उसमें से जो आपके काम के नहीं है, खराब है या डैमेज फ्रूट्स हैं, तो उनको आप सॉर्ट कर देंगे, उनको आप अलग निकाल देंगे, और सिर्फ जो अच्छे साइज के अच्छे फ्रूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनको रख लेंगे अपने पास। देन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है अलग अलग साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करना। पहले आपने खराब वालों को निकालने को बोलेंगे सॉर्टिंग, देन साइज के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स में बांटने को बोलेंगे ग्रेडिंग। धोने के बाद उसे सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। देन पीलिंग, पीलिंग कोरिंग पिटिंग। अब क्या है पीलिंग का मतलब, छिलका निकालना। और कुछ क्रॉप्स में, कुछ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कोरिंग का मतलब होता है, या कोरिंग या पिटिंग का मतलब होता है उसे बीच वाला हिस्सा भी निकाला जाता है उसे सेव करने के लिए। जैसे एप्पल है, एप्पल के केस में क्या होगा, आप बीच वाला सीड वाला हिस्सा भी निकालोगे, तो उसे कोरिंग या पिटिंग बोलते हैं। और पीलिंग का मतलब होता है बाहर का छिलके को निकालना। देन कटिंग एंड स्लाइसिंग। कटिंग, उसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना पड़ेगा। ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का मतलब होता है उन्हें हाई टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है ताकि उनकी एंजाइम्स को डीएक्टिवेट किया जा सके। तो ब्लांचिंग प्रोसेस में हम उनके एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करते हैं। और देन उसके बाद होता है फिलिंग इन कैंस, देन कैंस में भर देते हैं उनको। देन उसके बाद सिरपिंग या ब्राइनिंग। तो सिरपिंग या ब्राइनिंग का मतलब सिंपली है कि अगर आप फ्रूट को कर रहे हो तो सिरपिंग करेंगे, वेजिटेबल को कर रहे हो तो ब्राइनिंग करेंगे। उसके बाद एग्जॉस्टिंग। तो एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या है कि आप एग्जॉस्टिंग के केस में आप ऐसा करेंगे कि उस जब कैन में आप भर देते हैं सिरप को, और उसको उसके बाद उसमें कुछ एयर का स्पेस रह जाता है, कैन में कुछ एयर रह जाती है कैन को बंद होने के बाद। फिलिंग इन कैंस करते, कैंस को कुछ गैस रह जाती है, मीन्स उसके बंद करने से पहले उसमें बची हुई एयर भी हम निकाल देते हैं ताकि उस एयर या उस ऑक्सीजन की वजह से फर्दर डैमेज ना हो जाए। मीन्स जो उसके अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट है, हमारा फ्रूट है या सिरप है, वो खराब ना हो जाए, उसके लिए हम उसमें से बची हुई ऑक्सीजन भी निकाल देते हैं। उसको निकालने का तरीका है कि उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने से जब उसकी गैस निकल जाती है, फिर उसके बाद उसे एकदम से सीलिंग सीलिंग या क्लोजिंग कर दी जाती है। तो ये एग्जॉस्टिंग के लिए कितना टेम्परेचर यूज होता है, यहाँ पर वो है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है 82 to 87 डिग्री सेल्सियस। तो 82 to 87 डिग्री सेल्सियस पे कैनिंग में एग्जॉस्टिंग की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पे है, इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया में है, और इसमें बहुत ज़्यादा जानने वाली जैसी कोई बात नहीं है, इतना ही काफ़ी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया में है, इतना ही आपके लिए जानना काफ़ी है। देन अगला क्वेश्चन है, इनफ्लोरिसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज। तो जो बनाना के इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मीन्स सिंपली होता है उसकी लीव्स, वो सॉरी उसका जो फ्लावर है, फ्लावर बनाना के फ्लावर को क्या कहते हैं। तो इस तरह का आपने देखा होगा बनाना के पेड़ में, इस तरह का फ्लावर ये होता है, और इसको स्पैडिक्स कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है, इसमें क्या अलग अलग वायरल बीमारियों का नाम है,
और उसके आगे दिया है उसका होस्ट प्लांट कि कौन सी वायरल डिजीज जो है किस प्लांट में होती है। तो यहाँ पर पहले ब्रैक्ट मोजेक वायरस, तो ब्रैक्ट मोजेक वायरस बनाना में होता है, ये सही बात है। रिंग स्पॉट वायरस पपाया में होता है, लीफ कर्ल वायरस टोमेटो में होता है, और येलो बीन मोजेक वायरस जो है ये ओकरा में होता है। ओकरा क्या होती है, लेडी फिंगर या भिंडी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कसावा। कसावा में वेन येलो वेन मोजेक वायरस नहीं होता, ये ओकरा में होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे पूछा था कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये गलत मैच है। येलो वेन मोजेक वायरस जो है वो ओकरा का है या भिंडी का है, और किससे ट्रांसमिट होता है, वायरल डिजीज। कई बार नहीं, वायरल डिजीज हमेशा ही कोई ना कोई उसका ट्रांसमीटर होता है या उसका कोई वेक्टर होता है जो उसे यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करता है। इसके केस में है वाइट फ्लाई। तो येलो वेन मोजेक वायरस वाइट फ्लाई इसको स्प्रेड करती है। व्हाइट फ्लाई का क्या नाम होता है, बेमिशिया टेबेकी। और कभी इसे एफिड करता है, और कभी मीन्स वायरल डिजीज को कभी एफिड ट्रांसमिट करता है, कभी व्हाइट फ्लाई करती है। अलग अलग केसेस में येलो वेन मोजेक वायरस को व्हाइट फ्लाई करती है ट्रांसमिट। देन 48th क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल्स इज कॉज्ड बाय। तो एनिमल्स में FMD होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, उसे कौन कॉज करता है, वो एक वायरल डिजीज है। तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है उनके जो फुट एंड माउथ से, आपके समझ में आ गया होगा कि एनिमल्स के मुंह पे और उनके फुट पे, उनके खुर पे, दोनों पे ही मीन्स वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, स्कार्स बन जाते हैं। ये FMD होती है वायरस की वजह से। शायद ये हमारे जो इसका क्वेश्चन, शायद ये हमारे स्टिंगमी टेस्ट में गलती से फंगस मार्क हो गया था। तो इसका आपको 1 मार्क्स कॉम्प्लीमेंट्री सबको मिल जाएगा, उसकी आप चिंता मत करें। पर इसका राइट आंसर है वायरस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एकोमोडेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज इन द वर्ल्ड। किस कंट्री में सबसे ज्यादा बफेलोज हुए हैं इंडिया में, वर्ल्ड में। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। तो बफेलोज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है। कैटल, कैटल का मतलब होता है काउ फैमिली। तो काउ फैमिली के गाय, बैल, बछड़े, ये सब जो होती है काउ फैमिली, सबसे ज्यादा ब्राजील में है। कैटल सबसे ज्यादा ब्राजील में है, बफेलो इंडिया में है, और शीप और गोट सबसे ज्यादा चाइना में होते हैं। देन 50th क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया में कौन सी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसका राइट आंसर है एमाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यहाँ पे टू जो होता है सबस्क्रिप्ट में आता है, तो NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो अब जो यूरिया आता है वो नीम कोटेड यूरिया आता है। और पहले यूरिया के जो बैग्स आते थे वो यूरिया के बैग्स 50 kg के आते थे, लेकिन अब जो नई पैकिंग आती है यूरिया की, जब से यूरिया नीम कोटेड हुआ है, वो 45 kg की पैकिंग में आता है। तो ये हमारे सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे ESI और RD के क्वेश्चन। तो अगर आपको, आप अगर नाबार्ड फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे फेज 2 नाबार्ड एग्जाम के फेज 2 कोर्स की दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो लेसन और स्टडी नोट्स वगैरह हैं। तो अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका ऑनलाइन कोर्स भी आप एग्जाम की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे ESI और RD के क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ESI और RD के क्वेश्चन लगभग लगभग सिमिलर से ही होते हैं। वो अधिकतर क्वेश्चन जो है स्कीम्स में से पूछे जाते हैं, जिसमें कोई अब डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल होता है कि कौन सा क्वेश्चन ESI का, कौन सा ERD का है। तो हम 30 क्वेश्चन जो है ERD, ARD और ESI के मिक्स देखेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए सही होल्ड नहीं करता, ट्रू नहीं है। पहला है, द ट्रेनिंग अंडर द स्कीम इज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दूसरी बात है, इट इज अ फ्लेक्सिबल स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। इन तीनों को, इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको
इम्प्लीमेंट करता है, ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर आता है और ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये तीनों ही बातें क्योंकि सही हैं तो इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ एक 80 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन करा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो यहाँ पर आपको आंसर अपने आप मिल गया, इसका राइट आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बाकी सारों में से कोई हिल स्टेट है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका अपने आप हिमाचल प्रदेश। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक डील साइन करी है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोग जानते हो लॉकडाउन की वजह से। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक डील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर SECC 2011, SECC होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, इंडिया में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो 2.96 लाख ग्राम पंचायत हैं इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2019 इसको कौन रिलीज करता है? तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2019 किसने रिलीज करी थी? इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP इज नॉट ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में ट्रू नहीं है? तो आपका डी वाला जो है ट्रू नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि बाकी चारों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम क्या है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP इज टू बी कंटिन्यूड को टर्मिनस विद 14th फाइनेंस कमीशन साइकिल टिल मार्च 2020। तो 14th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल के साथ में कंटिन्यू होना है, पहली बात ये सही है इसके बारे में। दूसरी, देयर विल बी 2% ईयर मार्किंग ऑफ फंड्स ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो इसका जो फंड है उसमें से जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए 2% फंड जाएगा। अ न्यू सब प्रोग्राम अंडर NRDWP नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम फरवरी 2017 से। इसी के अंदर एक सब प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन। देन द टोटल आउटलेज 23,050 करोड़ फॉर द प्रोग्राम। सो 2017-18 से 2019-20 यानी 3 साल के पीरियड के लिए इसके अंदर जो टोटल आउटले है वो 23,050 करोड़ का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष्मान भारत स्कीम विल सबसीम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल स्कीम्स। तो आयुष्मान भारत स्कीम इनमें से किस सेंट्रल स्कीम के अंडर आएगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है। पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तीसरा है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका आंसर है 1 और 3। तो फर्स्ट और थर्ड को मिक्स करके हमारी द आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई है। ये इन दोनों को अपने में मर्ज कर लेगी आयुष्मान भारत स्कीम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो NRETP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि NRETP में टी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये NRETP बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NRETP के बारे में कहा है यहाँ पर, द नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस चीज़ पे एम करता है। तो क्योंकि इसका आंसर ऑल करेक्ट है तो NRETP के बारे में हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला है प्रोमोटिंग वुमन ओन्ड एंड वुमन लेड फार्म एंड नॉन फार्म एंटरप्राइज। तो वुमन ओन्ड और वुमन लेड फार्मर, तो इनको ये सपोर्ट करता है, इनको बढ़ावा देता है। Then develop financial producers products using digital finance ताकि small producer भी scale up कर सके। तीसरा क्या करता है, India has signed 250 million agreement with the World Bank। तो NRETP के लिए इंडिया ने 250 million का agreement sign करा है World Bank के साथ में। तो ये तीनों statement सही हैं। Next question देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो एफपीओस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू है? तो सिंस यहाँ पर आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो सिंपली हम इन तीनों चारों को देख लेते, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को एक बार, और हमको पता चल जाएगा कि एफपीओस क्या है और एफपीओस के लिए एफपीओस में क्या क्या है। तो एसएफएसी प्रोवाइड सपोर्ट टू, एसएफएसी क्या होगा, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, स्मॉल एसएफएसी प्रोवाइड सपोर्ट टू एफपीओस, एंड एफपीओस आर फॉर्मड बाय अ ग्रुप ऑफ फार्म प्रोड्यूसर्स एज अ रजिस्टर्ड बॉडी विद प्रोड्यूसर्स एज स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एफपीओस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। दूसरा, एफपीओस आर रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, डीएसी होता है जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का, इसकी नोडल एजेंसी होता है। तीसरी बात यह है एफपीओस के बारे में। एंड चौथी बात यह है, इन द यूनियन बजट 2019 के यूनियन बजट में 10,000 एफपीओस को खोला जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ये टारगेट बनाया गया था या ये प्लान किया गया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषोन्नति योजना। इसमें यहाँ पे हमारे पास 6 स्कीम्स के नाम दिए हैं और कहा है इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो अम्ब्रेला स्कीम ग्रीन रेवोल्यूशन कृषोन्नति योजना के अंदर नहीं आती, और इसका आंसर है, सिंस इसका आंसर नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी स्कीम ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर नहीं आती। पहली स्कीम थी इसमें नमसा, बोलते हैं हम इसे नमसा बोलते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन एसएमई सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देन सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, देन सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, देन सबमिशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। तो इनमें से कोई भी स्कीम जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना के अंदर नहीं आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो ये क्वाइट ऑब्वियस बात है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है किसानों के इनकम को डबल करने के लिए 2022 तक। तो गवर्नमेंट हैज सेट अप द कृषि विज्ञान केंद्र, आप लोग जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र केवीकेज होते हैं हर जगह, कृषि विज्ञान केंद्र तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेटअप किए हुए हैं। तो इंडिया में कितने कृषि विज्ञान केंद्र अब तक सेटअप हो गए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 760। तो अभी तक इंडिया में 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इसके एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिसका वो होता है 1800 180 1551। तो उस नंबर पर आप कॉल करके साइंटिस्ट से आपकी वहाँ पे बात करवा दी जाती है, अपने क्रॉप से रिलेटेड किसी भी क्रॉप या मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज या अपने किसी भी बिजनेस स्मॉल होम बिजनेस से रिलेटेड आप वहाँ पे जानकारी ले सकते हो। आपको सारी जानकारी वहाँ पे साइंटिस्ट से मिलती है कि आपकी क्रॉप में कोई डिजीज है या आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ है इस बार या कोई प्रॉपर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आपको हेल्प करता है उसमें अपने हेल्पलाइन नंबर से। देन स्कीम वॉज लॉन्च्ड keeping in view the upliftment of lower strata of society। तो यहाँ पर एक स्कीम की बात हो रही है जो सोसाइटी का लोअर स्ट्रेटा है और जो शेड्यूल कास्ट है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम रिलीज हुई थी। द प्रिंसिपल लाइज हियर इज गुड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी असिस्टेड बट ऑल्सो बी कॉन्शियसली बिल्ट अप विच हैज बीन गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम। तो यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा है कि किस स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या क्या बात है, पहली तो है कि ये स्कीम जो है वो जो बैकवर्ड क्लास है, जो सोशली बैकवर्ड लोअर स्टेटा है समाज का, उसके लिए है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए है स्कीम। ये क्या है, इसके पीछे जो गाइडिंग स्पिरिट है वो है गुड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली असिस्टेड बट ऑल्सो कॉन्शियसली बिल्डअप। तो अच्छी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना और उनको बिल्डअप करना, उनको बिल्डअप करना और उनको गाइड करना, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर किस स्कीम की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन शेड्यूल कास्ट, क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर एनजीओस वर्किंग टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट।
स्कीम फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम फॉर एनजीओ, तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, स्कीम फॉर ग्रांट इन एड फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये इस स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना? तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे। क्राफ्टमैन के लिए या स्किल्ड मैन के लिए कौन सी स्टेट ने स्कीम रिलीज करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना? तो ये स्कीम है उड़ीसा, तो आप इसको याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत है एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि किस स्टेट में कारीगर सहायता योजना लॉन्च हुई है। फॉलोइंग 2019-20 कोरोना वायरस पेंडेमिक, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑन 11th मार्च 2020 अनाउंस दैट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज शुड इनवोक प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले को आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट है ये कब का एक्ट है, इसका ईयर पूछा है। तो यह 1897, तो 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अनुसार हम लोग अभी कोरोना वायरस में ये प्रोविजन सेक्शन 2 के प्रोविजन लगा रहे हैं जिससे स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ है। देन इंडिया हैज अ परमानेंट लेजिस्लेशन इन रिगार्ड टू सेंसस। तो जो इंडिया में परमानेंट लेजिस्लेशन है वो सेंसस एक्ट कब का है? तो सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 में बना था, 19 सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 यहां पर बात हो रही है। तो सेंसस जो इंडिया का होता है वो सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 से होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। लागू हुआ था उसके बाद जो अभी एग्जिस्ट एक्ट से जो डीएम एक्ट है जिसके अनुसार पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ है वो एक्ट कब का है, ये क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। वो है एक्ट ऑफ डीएम एक्ट ऑफ 2005। डीएम मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज इन 100 डे वर्क प्रोग्राम ऑफ प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स? तो किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज इन 100 डे वर्क प्रोग्राम ऑफ Which of the following state have selected has been selected for first prize in 100 days work program of promoting livelihoods? तो किस स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है 100 days work program में जो livelihoods को प्रमोट करने के लिए था? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये करंट अफेयर्स का एग्जाम क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सेक्शन 4 है एफआरबीएम एक्ट का, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ एफआरबीएम एक्ट प्रोवाइड्स अ ट्रिगर फॉर मैकेनाइजेशन, ट्रिगर मैकेनाइजेशन फॉर डेविएशन फ्रॉम एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी विद अनएंटिसिपेटेड फिजिकल इंप्लीकेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बजट 2021 हैड टेकन अ डेविएशन फ्रॉम 0.5% कंसिस्टेंटली विद द सेक्शन 43 एफआरबीएम एक्ट बोथ फॉर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2019-20 एंड बजट एस्टिमेट ऑफ 2022 एक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन एक्ट ऑफ रिवाइज एस्टिमेट। तो ये कह रहा है फिजिकल डेफिसिट का जो काउंट था वो बढ़ के अब कितना हो गया, पहले जो 3.5% था तो वो बढ़ के कर दिया है 3.8%। तो ये फिल द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अभी, अगर आप इसको क्लियर पढ़ पा रहे हैं फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The Smart Food Initiative is founded by the International Crop Research Institute. तो International Crop Research Institute ने क्या of semi-arid tropics ICRISAT, आप जानते होंगे ICRISAT, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो ICRISAT ने क्या किया कि स्मार्ट फूड इनिशिएटिव फाउंड किया, स्मार्ट फूड इनिशिएटिव इसने शुरू किया है। इसका काम क्या है कि बिल्ड फूड सिस्टम्स वेयर द फूड इज गुड फॉर यू, हाईली न्यूट्रिशियस।
तो इसने न्यूट्रिशियस फूड को प्रमोट करने के लिए और फूड सिस्टम्स को बनाने के लिए एक क्या बोले, गुड फॉर प्लेनेट, गुड फॉर स्मॉल होल्डर फूड, स्मॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ओवरकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाते हुए न्यूट्रिशियस फूड को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि पॉवर्टी और हंगर को एलिवेट किया जा सके, इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं। और इन प्लान्स के यहाँ पे नाम पूछे हैं कि कौन सा SDG 1 और 2 है, कौन सा SDG, ये SDG का मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो पॉवर्टी और हंगर को एलिवेट करने के लिए वो है SDG 1 और 2, देन कंजप्शन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है उसके लिए है SDG 12, एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गोल नंबर 13, द अप्रोच टेकन इंक्लूड जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए है SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं इन सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेते हुए। और एक्शन थ्रू पार्टनरशिप्स उसके लिए है सस्टेनेबल गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये था ABC में क्या है, किसका सस्टेनेबल गवर्नमेंट डेवलपमेंट गोल नंबर क्या है, तो आपको ये आंसर से मिल गया 1 और 2, 12 और 13, पॉवर्टी एंड हंगर के लिए 1 और 2, देन कंजप्शन प्रोडक्शन के लिए 12 और क्लाइमेट चेंज के अडेप्शन के लिए SDG 13। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है सप्लीमेंटेड गवर्नमेंट, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है सप्लीमेंटेड द गवर्नमेंट सॉइल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव एंड हैज डेवलप्ड अ मिनी लैब फॉर सॉइल हेल्थ, व्हाट इज द नेम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अभी क्या करा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, यानी ICAR ने कहा है गवर्नमेंट की जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको प्रमोट करने के लिए छोटी छोटी सॉइल टेस्टिंग लैब्स बना लिए हैं। पहले क्या होता था, सॉइल टेस्टिंग लैब्स बहुत दूर दूर होती थी, तो आपको अपनी मिट्टी का सैंपल लेके वहां जाना पड़ता था और फिर उसके बाद इंतजार करना पड़ता था, आपकी रिपोर्ट आती थी कुछ दिन के बाद। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने छोटी छोटी क्वेश्चन है कि इनका नाम क्या है, सॉइल टेस्टिंग लैब्स को क्या बोलते हैं, तो इनका नाम है मृदा परीक्षक। यहाँ पे आपके ऑप्शंस थे मृदा लैब, मिट्टी परीक्षक, सॉइल लैब, नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर है मृदा परीक्षक। तो मृदा परीक्षक है वो छोटी छोटी सॉइल लैब्स का नाम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 12 एनुअली, द स्कीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे इज 2020, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 इज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे की, किसी पर्टिकुलर नेशनल या इंटरनेशनल डे की थीम क्या है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2020 की बात हो रही है, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। द इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल अंत प्रगण्य 2020 हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली विद अ थीम स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स विच वॉज हेल्ड इन। तो जो इंडिया का बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल हुआ था इसका नाम था अंतप्रज्ञा 2020, इसकी स्कीम थी स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। तो ये कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन में पूछा, तो ये हुआ था तेलंगाना में और तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हैज रिलीज द रिपोर्ट नेमली OECD इंटरिम इकोनॉमिक असेसमेंट कोरोना वायरस द वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमी एट रिस्क एज पर द रिपोर्ट व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ GDP ग्रोथ। तो ये कह रहा है कि OECD के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी 2020 में, तो इसका आंसर है 5.1%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फॉल्स और वेक्सेटियस कंप्लेंट कंप्लेंट अंडर द लोकपाल कंप्लेंट रूल 2020 इज पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर विद अ फाइन ऑफ मे। तो ये कह रहा है कि जो लोकपाल एक्ट के अंडर है कि अगर आपने किसी की कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दी, आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई कंप्लेंट करी और वो बाद में फेक निकली कि आपने उसको डिफेम करने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी, उसको परेशान करा, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको इंप्रिजनमेंट हो सकता है जो कि लगभग 1 साल तक का हो सकता है और आपको फाइन हो सकता है, वो कितने लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो 1 साल के इम्प्रिजनमेंट के साथ में आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। तो अगर आप लोकपाल एक्ट जो हमारा 2020 है
उसके अनुसार अगर आप किसी की गलत कंप्लेंट करेंगे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की, तो आपको 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर। देन 24th क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स नाबार्ड, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इन्फ्यूज्ड 10 लाख करोड़ रुपीज इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग 1920। तो 2019-20 में नाबार्ड ने कितने पैसे रूरल बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट किए, तो यह है 1.46 लाख करोड़ रुपीज। 1.46 लाख करोड़ रुपीस नाबार्ड ने रूरल बैंकिंग सिस्टम में 2019-20 में दिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि एज पर द मेगा कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स, आपको पता है कि आज आखिरी दिन है जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक या ऐसे बहुत सारे बैंक है जिनके लिए आज का आखिरी दिन है, आज ये बैंक सारे मर्ज हो जाएंगे दूसरे बैंक में और एक सिर्फ छह बैंक रह जाएंगे इंडिया में। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जब मेगा कंसोलिडेशन ये हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से यानी कल से ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक एंड कैनरा बैंक, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक आपस में मिलने वाले हैं, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक मिलने वाले हैं, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक मिलने वाला, ओबीसी यूनाइटेड बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक ये आपस में मिलने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी, The Union Ministry of Tribal Affairs has constituted a committee headed by Dash, who is the former member of Planning Commission. आप लोग के यहाँ पे comments आ रहे हैं, इन सबको मैं last में खत्म होने के बाद एक साथ में answer कर दूँगा। उससे पहले हमारे दो चार questions रहे हैं, उनको देख लेते हैं। Union Ministry of Tribal Affairs has constituted a committee headed by Dash, who is the former member of National Planning Commission and also the National Advisory Council. Examine and recommend the Community Forest Resources Guidelines under the Forest Rights Act of 2006. तो Union Ministry of Tribal Affairs को कौन हेड करता है, इसने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कि फॉर्मर मेंबर है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का। तो इसका राइट आंसर नरेश चंद्र सक्सेना जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हेड करते हैं और वो फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के। एज पर द 100 वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट बाय टाइम मैगजीन, तो टाइम मैगजीन का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 100 वुमेन ऑफ द ईयर, नेम ऑफ पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड एज वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2019। तो 100 वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने 100 वुमेन्स को रैंकिंग दी है, 100 वुमेन ऑफ द ईयर निकाला था 2019 में, तो सबको वुमेन ऑफ द ईयर मींस रैंक 1 पे कौन था या वुमेन ऑफ द ईयर का प्राइस किसको दिया गया था, वो थी ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग को ये मिला था, ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आवाज उठाई थी, चैलेंज किया था गवर्नमेंट को। एज पर द फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट विच एनालाइजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीपल फ्रीडम 195 कंट्रीज एंड 15 टेरिटरीज एंड रैंक देम इन कैटेगरी वाइज रिलीज ऑफ द फ्रीडम हाउस अ यूएस बेस्ड वॉचडॉग विच कंडक्ट्स रिसर्च एंड एजुकेशन इंडिया। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स या फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जो डेमोक्रेटिक वैल्यू 195 कंट्रीज को इसमें 195 कंट्रीज को इसमें असेसमेंट किया गया और 15 टेरिटरीज में असेसमेंट किया गया कैटेगरी वाइज, यूएस बेस्ड वॉचडॉग जो था फ्रीडम हाउस ने करी है, मींस ये जो असेसमेंट है फ्रीडम हाउस ने करा जो यूएस बेस्ड वॉचडॉग है एंड रिसर्च और एडवोकेसी इन डेमोक्रेसी के ऊपर, और इंडिया हैज रैंक, इंडिया की क्या रैंक थी इसमें अलोंगसाइड द टिमर लेस्ट एंड सेनेगल, तो इंडिया की जो रैंक है फ्री कैटेगरी में इसमें वो थी 83 और इंडिया की रिपोर्ट इंडिया के टिमर लेस्ट और सेनेगल के साथ में थी, फिनलैंड इसमें टॉप पे किया फिनलैंड ने। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 के अनुसार उसकी फ्री कैटेगरी में जो डेमोक्रेसी का एक इंडेक्स है उसकी फ्री कैटेगरी में इंडिया की रैंक 83rd है और इंडिया रैंक किसके साथ शेयर करता है, सेनेगल और टिमर लेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019 रिलीज्ड रिसेंटली व्हाट इज द एग्रीकल्चर ग्रोथ फॉर द ईयर 2019-20।
इकोनॉमिक सर्वे 2019 के अनुसार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्या, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 2019-20 का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था वो था 2.8%। देन लास्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड इन राज्यसभा रिसेंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है 2019 का, इसके अनुसार कौन सी बात सही है, क्योंकि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, तो ये चारों ऑप्शन ट्रू हैं। तो हम एक ही करके देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज पड़ जाएगा, अगर आपको पता है तो रिविजन हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको नॉलेज पड़ जाएगा कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल में क्या क्या है। तो ये बिल जो है, सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को ही अमेंड करता है। तो इसमें क्या है कि नॉट ओनली फॉर्मर सीजेआई, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा कोई भी पुराने जज सुप्रीम कोर्ट के, उनको कंसीडर किया जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के लिए इस बिल के अनुसार। द बिल रिड्यूसेस द टर्म ऑफ ऑफिस टू 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जो टर्म होता है जिसका जो चेयरमैन रह सकता है किसी भी उसके लिए, अब उसे रिड्यूस करके 3 years कर दिया गया है, या तो 3 years का होगा टर्म या फिर वो 70 years से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की एज मान लीजिए 69 years है और वो इसका चेयरमैन बनता है तो वो 1 साल के बाद ही रिटायर हो जाएगा। तो 70 years या फिर 3 years जो भी अर्लियर हो, या तो 3 साल की सर्विस करेगा या उसकी एज 70 years जब कंप्लीट हो जाएगी वो रिटायर हो जाएगा इससे। फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ दिल्ली विल बी डेल्ट विद NHRC। तो ह्यूमन राइट्स जो दिल्ली में जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी केसेस होंगे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको डील करेगा। तो ये सारी चीजें हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 में। इस सेशन के लिए यहाँ पे इतना ही था। आपके अगर जो भी क्वेश्चन है आप हमें मेल कर सकते हैं नंबर पे, यहाँ पे एग्जाम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नाबार्ड से रिलेटेड चाहिए या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड चाहिए आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ जो आपने पूछे हैं। पहले यहाँ पे शीला का क्वेश्चन है, इस सर आई डिड ओनली 8 questions आउट ऑफ विच आई थिंक 3-4 आर करेक्ट। तो स्ट्रिंग भी 50 क्वेश्चंस थे जिसमें से उन्होंने सिर्फ 8 questions करे। उनका कहना है कि उनके 3-4 क्वेश्चन ही उसमें से ठीक हैं। और हाउ शुड आई स्टडी मोर, आई हैव मैनी बुक्स सो कन्फ्यूज्ड। तो अगर आपके सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही, आपने 8 questions किए 3-4 सही हैं, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल भी आपकी प्रिपरेशन है नहीं। तो आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। जो ESI और ARD जो रूरल डेवलपमेंट और ESI वाला पार्ट होता है वो मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट होता है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट होता है। तो सबसे पहली एडवाइस मैं आपको दूंगा आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपने क्या करना है, आपने कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़नी है। कुरुक्षेत्र मैगजीन का भी हम लोग जिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म में हर महीने हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने मेन चैनल पर, एग्जाम बी के मेन चैनल पर या एग्री बी पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसका जिस्ट, अगर आप पूरा उसका मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते तो उसमें से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में चैनल पर दे देते हैं। तो आप कुरुक्षेत्र मैगजीन को पढ़िए सबसे पहले। और कई सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 50 में से 3-4 ही क्वेश्चन अच्छे सही कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। इससे ज़्यादा तो अगर आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल्स करते तो भी आप मार्क्स ले आते। तो पहले तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन से डरिए मत, सारे क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत ऑड मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन तो आप उसमें से सिर्फ ऑप्शंस को मीन्स कैंसिल आउट करके ही आंसर कर लोगे। तो आपको बहुत सारा प्रिपेयर करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाबार्ड के मेंस एग्जाम के लिए वो है आपका रूरल डेवलपमेंट और ESI वाला पार्ट लगभग सेम होता है। अधिकतर उसमें स्कीम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट के बजट में से, इकोनॉमिक सर्वे में से, सेंसस में, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप अपना रूरल डेवलपमेंट पार्ट वाला पार्ट, रूरल डेवलपमेंट और ESI वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए और देन उसके बाद आप एग्रीकल्चर के ऊपर आइए। और अभी ये लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है, अदरवाइज आप नहीं कर पाते इतने कम टाइम में प्रिपेयर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप एग्जाम भी की कोर्सेज भी किसी प्रीपेड कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअली इतने सारे सोर्सेज से पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देन धर्मवीर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी टिप्स दे दो कोई फेज टू के लिए। तो धर्मवीर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस रिलीज करे हुए हैं कि फेज टू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एग्रीकल्चर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये अलग अलग प्रॉपर सारे ESI के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो हमारी आप यूट्यूब को विजिट करके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चलेगा पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देन
वीडियोस ज़्यादा अपलोड करने को, तो वीडियोस ज़्यादा अपलोड करने को रवि बोल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं हमारे एक एक करके। अभी अभी बहुत जल्दी आपको कल परसों से आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। हम सबसे पहले एग्रोनॉमी को कवर कर रहे हैं, आपके 10-12 तीन चार जो आपके मेजर चैप्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो होते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नाबार्ड फेज टू एग्जाम आता है, और नाबार्ड फेज टू का जो आपका एग्जाम होता है बहुत डीप पूछा जाता है आपसे, एक बिल्कुल सरफेस नॉलेज नहीं पूछी जाएगी। तो हमने बहुत डीप नॉलेज को लेते हुए सब कुछ इंक्लूड करते वीडियोज बनाए हैं बहुत सारे, तो आपको बहुत जल्दी वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले हम एग्रोनॉमी में 8 या 10 वीडियो से एग्रोनॉमी पूरी कवर करेंगे, देन उसके बाद हॉर्टिकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री, देन सॉइल साइंस, ऐसे हम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। और जैसे शीला ने भी पूछा था कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करें, ऐसे साथ साथ में जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर की सीरीज आएगी, इसी तरह से हमारी ईएसआई की भी सीरीज आ रही है। ईएसआई के क्वेश्चंस भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। एक क्वेश्चन राज सतपुते का है कि एक जनरल एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है। राज ये तो इसका सिलेबस क्या है अगर आप पूछो, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल भी अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ तैयारी नहीं करी है। तो आप सबसे पहले नाबार्ड का नोटिफिकेशन, नाबार्ड मेंस का कोर्स है क्या सर आई एग्जाम्बी का? हाँ, नाबार्ड मेंस का कोर्स है आई एग्जाम्बी का। आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप वेबसाइट विजिट करिए, उसमें आपको कोर्स का डेमो मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपके जितनी भी जो आपकी हमारी कंसल्टेशन टीम है, आपकी एडवाइजरी टीम है, वो आपको हेल्प करेगी और आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करेगी, क्या कोर्स है, कितनी कॉस्ट में कोर्स अवेलेबल है। और अगर आज आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, तो आज 50% ऑफ भी चल रहा है सारे कोर्सेज पे। तो आप इस नंबर पर कॉल करके, यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। नॉट मेंशन इन द नाबार्ड नोटिफिकेशन। तो राज आप ऐसा करिए, जनरल एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है? तो जनरल एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए मेरे ख्याल से तो आप लोग, अच्छा मेंस की बात कर रहे हैं आप, नॉट मेंशन इन द एग्रीकल्चर। तो हाँ, तो उसमें एआरडी और ईएसआई ये दोनों आएंगे। एआरडी और ईएसआई, ईएसआई होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों पार्ट आएंगे। टोटल आपके आएंगे 65 क्वेश्चंस, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स ईच के, और 30 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स ईच के। तो 35 × 2 70 प्लस 30 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से डीप नॉलेज में आते हैं, अगर आप हमारी वीडियो सीरीज देखोगे या फॉलो करते रहोगे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिलेबस क्या है अगर आप पूछना चाह रहे हो, तो सिलेबस में मेनली आपको मैंने एग्रीकल्चर में तो बताया मैंने आपको कि ये चार टॉपिक्स मेन लिए जाए। अभी तक क्या होता था कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो उसमें सारे टॉपिक्स में से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, सरफेस नॉलेज पूछा जाता है, लेकिन जब मेन्स एग्जाम होता है उसमें इन डेप्थ पूछा जाता है। लास्ट ईयर तो बोरेक्स का फॉर्मूला पूछ लिया था मेन्स एग्जाम में, तो ये बहुत एक डीप क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है, तो जिसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं इसको सबसे ज़्यादा आपको एडवाइस यही कर पाऊंगा, जैसे हमारी वीडियो सीरीज आएगी अभी एग्रोनॉमी की, उसमें सब बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, और हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे कि जो एग्जाम के लिए रिलीवेंट होते हैं। मीन्स बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको उसमें, मैं पर्टिकुलर मार्क कर रहा हूँ हर वीडियो में। पर्टिकुलर चीज को मार्क कर दूंगा कि अगर आप जनरल स्ट्रीम से दे रहे हैं तो ये चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो इस सेशन वैसे ही बहुत लंबा हो गया, ठीक है ओके। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो इसके बाद आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिख देना, नंबर पर कॉल करके पूछ लेना, एग्जाम भी पे मेल कर देना, हम उनको कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले सेशंस के साथ में उनको आंसर कर पाए। तो ये सेशन इतना ही था, और बहुत जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।